अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी पत्नी रानी देवयानी सिंह को उम्मीदवार बनाने की मांग के बाद बीजेपी के नेताओं में हड़कंप मच गया है। ये पहली बार नहीं है कि अपने बयानों और कामों से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने किसी की नींद उड़ा दी हो। वे ऐसा कई बार कर चुके हैं। आइए इस मौके पर प्रणव सिंह चैंपियन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। दरअसल भारत के इतिहास में रियासतों और राजाओं का विशेष योगदान रहा है। उन्हीं में से एक है लंढौरा रियासत और इसी रियासत के राजवंश हैं कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। दरअसल लंढौरा सियासत के राजा मनोहर सिंह ने नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला से 1100 गांव और 31 मौजे प्राप्त की थी। इसके बाद रानी नैन कुंवर, राजा बुद्ध सिंह, राजा मोहर सिंह, राजा रामदयाल सिंह राजगद्दी पर बैठे। राजा रामदयाल की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी और बड़े राजाओं में उनका सम्मान होता था। 1813 में उनके निधन के बाद लंढौरा राज्य राजा हरवंश के पास आने तक कई हिस्सों में बंट गया था। 1850 में राजा हरवंश सिंह की भी मृत्यु हो गई और उस समय राजकुमार रघुवीर सिंह नाबालिग थे। ऐसे में रियासत कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के हाथों में चली गई। फिर 1867 में राजा रघुवीर सिंह के असमय निधन हो जाने से राज्य की जिम्मेदारी रानी कमला कुमारी और रानी धर्म कुंवर के हाथों में आ गई। इसके बाद 13 जनवरी 1899 में जंधेड़ा से खुब्बड़ गोत्र के चौधरी राम निवास सिंह के बेटे बलवंत सिंह को गोद लिया गया, जिसके वंशज प्रणव सिंह चैंपियन है। 4 बार से विधायक प्रणव सिंह हैवीवेट चैंपियन रहकर खेल जगत में काफी नाम कमा चुके हैं। उनकी पत्नी देवयानी सिंह वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य हैं और दादरी से विधायक रहे महेंद्र सिंह भाटी की बेटी हैं। प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह भी 2015 और 2017 में इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियन रह चुके हैं। न्यूज डेस्क।